बड़ी खबर मिल रही है, लखनऊ में 2 अप्रैल को बसपा की बड़ी बैठक होगी पार्टी अध्यक्ष मायावती के साथ पदाधिकारियों की। यह बैठक की खबर मिल रही है, कल लखनऊ पहुंचेगी बसपा अध्यक्ष मायावती, उनके पहुंचने की खबर है। प्रदेश अध्यक्ष, मंडल कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। मंडल और जिला के सभी पदाधिकारियों को भी बुलावा है इस बैठक में शामिल होने के लिए। निकाय चुनाव, आगामी लोकसभा चुनाव पर मंथन होना है। इसी बैठक में गांव गांव चल रहे अभियान की समीक्षा भी होगी, पार्टी के अन्य अभियान कार्यक्रमों की भी समीक्षा होगी। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का। शैलेश, जिस तरीके से ये खबर मिल रही है, कौन कौन इस बैठक में शामिल होगा, ये डिटेल तो आ गई है, लेकिन मिनट्स क्या होंगे, कहाँ कहाँ फोकस होगा, ये जानकारी है क्या? देखिए, निश्चित रूप से सुबह 10 बजे ये बैठक होगी बसपा का जो प्रदेश मुख्यालय है वहाँ पर लखनऊ में माला वेन्यू में। और आपको बता दें कि कल बसपा अध्यक्ष मायावती लखनऊ पहुंच जाएंगी, जिसके बाद वो इस बैठक में शामिल होंगी 2 अप्रैल को सुबह 10 बजे से, जिसमें सभी जो देखिए प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा जितने भी इनके बात की जाए अलग अलग जो जोनल कोऑर्डिनेटर जो बनाए गए हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जिला अध्यक्ष, जिले के अन्य पदाधिकारी, ये सभी लोग वहाँ पर बैठक में रहेंगे और मंथन होगा जो अभी तक पिछले कुछ में अभियान चल रहे थे उनके बारे में जैसे बात की जाए। अगर निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी, जो गाँव गाँव चल रहा था एक अभियान, उसको लेकर समीक्षा की जाएगी। और इसके बाद आगामी निकाय चुनाव जो आगामी बात की जाए, इसके बाद लोकसभा के चुनाव, उसको लेकर आगे की जो रणनीति है वो पूरी बनाई जाएगी। खासतौर से जैसा देखिए, अभी हमने बताया था कि अभी हाल ही में जो महिला टीमों का गठन किया जाना है, निश्चित रूप से उसके ऊपर भी चर्चा होगी। इसके अलावा जो युवाओं को टीम में कितनी भागीदारी दी गई, इसके ऊपर भी मंथन किया जाएगा इस बैठक में। बिल्कुल, तो अहम होगा इस बैठक की रूपरेखा क्या है, ये तो सामने आ गया, लेकिन इस बैठक में वाकई चर्चा क्या होती है, किसकी जिम्मेदारी तय होती है, ये तमाम चीजें सामने आएंगी। शैलेश, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो बसपा की बैठक की खबर मिल रही है, मायावती कल लखनऊ आ जाएंगी और 2 अप्रैल को ये बड़ी बैठक होने वाली है। सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ODOP प्रोग्राम में संबोधन। उसकी भीड़ के हस्ती बन करके आज कार्य कर रही है और आज हर राज्य 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की ओर जा रहा है। इसने उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी और कारीगरों को वैश्विक स्तर पर सम्मान तो दिलाया ही है, उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में भी स्थापित किया है। अभी यहां पर हमारे निर्यात प्रोत्साहन विभाग के मंत्री श्री नंदी जी किसी बात को कह रहे थे कि कभी केवल 17 के पहले 17 तक 17-18 तक भी उत्तर प्रदेश में केवल 86,000 करोड़ रुपए का निर्यात हम कर पाते थे और इस वर्ष यह लगभग 2.25 लाख करोड़ का होने जा रहा, 2.25 लाख करोड़ का। आप मुरादाबाद में जाइए, आप अलीगढ़ में जाइए, आप भदोही में जाइए, आप वाराणसी में जाइए, आप मेरठ में चले जाइए, आप फिरोजाबाद में चले जाइए, आप कानपुर, आगरा, कौन ऐसा जिला है जिससे एक्सपोर्ट न हो रहा हो? और ये आपकी पोटेंशियल को प्रदर्शित करता है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में 96 लाख MSME यूनिट स्थापित हुए हैं और आपकी इस ताकत का एहसास देश और दुनिया को तब हुआ जब उत्तर प्रदेश के 40 लाख कामगार और श्रमिक वापस उत्तर प्रदेश में कोरोना कालखंड के दौरान लॉकडाउन लगने पर वापस आए थे। उस दौरान जब हमने आह्वान किया था तो 40 लाख देश के अंदर और दुनिया के अंदर चिंता थी, कहां जाएंगे 40 लाख लोग। मैंने कहा लगता है आपको अभी उत्तर प्रदेश की जानकारी नहीं है, मैंने कहा उत्तर प्रदेश में MSME यूनिट में सब खप जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और लॉकडाउन लगने पर वापस आए थे, उस दौरान जब हमने आह्वान किया था तो 40 लाख देश के अंदर और दुनिया के अंदर चिंता थी, कहां जाएंगे 40 लाख लोग। मैंने कहा लगता है आपको अभी उत्तर प्रदेश की जानकारी नहीं है, मैंने कहा उत्तर प्रदेश में MSME यूनिट में सब खप जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सभी ने, किसी ने एक, किसी ने दो लोगों को अपनी आज जगह दी और 40 लाख लोगों को रातों रात प्रदेश के अंदर कार्य भी मिल गया। यह हमारी ताकत है और आपकी यही ताकत है।
जो आज उत्तर प्रदेश निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में उभरा है। 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त होना औद्योगिक विकास की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम मानते हैं कानून का राज हो, ये पहली प्राथमिकता है। शासन नेक नियति से कार्य करे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा हो, लेकिन इस सब के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो एमएसएमई का एक बेहतरीन क्लस्टर भी हो। और उत्तर प्रदेश में आप जैसे उद्यमियों ने उसको स्थापित किया है, 96 लाख एमएसएमई यूनिट उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास की न्यू बनने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश एक नए यानी चतुर्थ औद्योगिक क्रांति कहां से प्रारंभ होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश ने तय कर दिया है कि उत्तर प्रदेश ही इस क्रांति का जनक बनेगा। इसको लीड उत्तर प्रदेश करेगा और उसके लिए आपकी ताकत ने जो आपने यहां पर अलग अलग माध्यमों से एमएसएमई उद्यमियों ने हमारे निर्यातकों ने जो कार्य किया है आज यहां पर, इसलिए 20 उत्कृष्ट एमएसएमई उद्यमियों को 35 उत्कृष्ट निर्यातकों को यहां पर सम्मानित किया गया है। मैं उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। 51 बुनकरों को भी संत कबीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप समझ सकते हैं संत कबीर से इनका नाम जुड़ा हुआ है। संत कबीर का लालन पालन भी एक जुलाहा ने किया था और ये भी हमारी ताकत है। उत्तर प्रदेश के अंदर मेरा अनुमान है कि 2.5 से 3 लाख परिवार केवल बुनकरी के कार्य में जुड़े हुए हैं और बुनकरों के लिए पावर लूम लगाने वालों के लिए प्रदेश सरकार ने विद्युत के फ्लैट रेट के लिए भी एक अपनी स्कीम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। बहुत शीघ्र हम उसकी घोषणा करने जा रहे हैं जिससे इस परंपरागत कार्य को हम आगे बढ़ा सकें और प्रवर्तमान प्रतिस्पर्धा में इनकी कला को किसी का ग्रहण न लगे। हम इसे अच्छी डिजाइन के साथ जोड़ेंगे, इन्हें अच्छी तकनीक देंगे, लेकिन साथ साथ सरकार के स्तर पर बड़ी प्रोत्साहन देने के साथ साथ इन्हें स्वयं भी खड़ा होने की तैयारी करनी चाहिए, ताकत उतनी विकसित करनी चाहिए और सरकार इसीलिए आपके साथ खड़ी है। इन कार्यक्रमों को इसलिए सरकार आगे बढ़ा रही है। आज इसी के साथ यहां पर पूरे प्रदेश भर में 75,000 विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए हस्तशिल्पियों को, कारीगरों को भी टूल किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें 600 लोगों को तो आज यहां 1400 लोगों को लखनऊ में, जिनमें 600 को यहां पर उपलब्ध कराने का कार्य हो रहा है। पूरे प्रदेश भर में कार्य चल रहा है। अलग अलग कार्य है इसमें, जैसे औद्योगिक विकास की दृष्टि से एमएसएमई की भूमिका है, ऐसे ही एमएसएमई के साथ साथ समाज के लिए हमारे विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए जो कारीगर हैं, इनके बगैर समाज की व्यवस्था नहीं चल सकती है। समाज की धुरी हैं, इसमें राजमिस्त्री भी हैं, इसमें धोबी भी है, इसमें मोची भी है, इसमें हलवाई भी है, इसमें दर्जी भी है, इसमें कारपेंटर भी है, इसमें वह हर जो जिसके बगैर हमारी दिनचर्या, जीवन की व्यवस्था, जीवन चक्र चल ही नहीं सकता, ये सब उसकी धुरी है। और जीवन चक्र की धुरी होने के नाते इन्हें सम्मान देने का कार्य, लगभग 16 ऐसी कैटेगरी प्रदेश सरकार ने तय की है और इन्हें आज यहां पर सम्मान देने का कार्य टूल किट के माध्यम, प्रशिक्षण के उपरांत एक सर्टिफिकेट और टूल किट उपलब्ध कराया है। मैं इन सभी को प्रदेश भर में जो हमारे 75,000 विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए कारीगर आज टूल किट प्राप्त कर रहे हैं, मैं इन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, इन्हें बधाई देता हूं। अच्छा प्रयास है, लेकिन इसको एक खिचड़ी बनाने की बजाय विश्वकर्मा श्रम सम्मान को थोड़ा अलग करना चाहिए था
और इनको बैंकों के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के साथ टूल किट और टूल किट के साथ इनको बैंकों के साथ भी जोड़े, बैंक इन्हें लोन दें, एक नाव चौराहे पे बैठ करके जमीन पे बैठ के क्यों पाल बनवाएगा, अपना सैलून खोले, पैसा दे, सरकार उसको पैसा देगी, सब्सिडी देगी, सरकार उसे प्रोत्साहित करेगी और वह अपना अच्छा सैलून खोले। एक दर्जी किसी टीन के सेट पे किसी दुकान के बाहर आकर के क्यों अपनी टेलरिंग का कार्य करेगा, वो अपना अच्छा शोरूम क्यों नहीं खोल सकता, बैंक उसे लोन दे, ब्याज पर सरकार सब्सिडी दे और फिर उसे प्रोत्साहित करने का कार्य सरकार करे। उत्तर प्रदेश को हम रेडीमेड गारमेंट का एक हब बना सकते हैं। हमारा राजमिस्त्री, हमारा कारपेंटर क्या किसी से कम है? किसी से कम नहीं है। आप जाइए ना सहारनपुर में, मुरादाबाद में, बिजनौर में, इनकी हाथ की कला को देखेंगे तो आपको याद आएगा कि वाह, अगर इन्हें प्रोत्साहित किया गया होता, पहले से प्रोत्साहित किया गया होता तो उत्तर प्रदेश बहुत आगे बढ़ गया होता, लेकिन एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। इसके लिए हमें यहाँ पे डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट खोलने पड़ेंगे, पैकेजिंग इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाना पड़ेगा एमएसएमई की दृष्टि से, इन कारीगरों की दृष्टि से, और हर जनपद में निर्यात प्रोत्साहन के केंद्र विकसित करते हुए इन्हें हर दिशा में आगे बढ़ाना पड़ेगा। यह सबसे अच्छा अवसर है जब एमएसएमई भी है, हमारे निर्यातक भी हैं, एमएसएमई उद्यमी, निर्यातक और विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए कारीगर, इस अवसर पर बैंकर्स को भी बुलाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश का जो सीडी रेशो अभी केवल 54 से 55% है। पूर्व डीजीपी के रिटायरमेंट को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, नया पदभार भी ग्रहण करेंगे कार्यवाहक डीजीपी। सबसे पहले मैं अपने साथी श्री देवेंद्र चौहान जी का धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छे शब्द बोले। सर्वप्रथम मैं परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आपकी बात मुझे हेड करने का मौका दिया है। जैसे शासन की प्राथमिकताएं हैं, गरीबों के लिए, असहाय है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जितने पुलिस स्टेशंस हैं हमेशा खुले रहें, उनकी बात सुनी जाए और जितने इस कैटेगरी के लोग जो उतने स्ट्रेंथ नहीं रखते हैं उनकी बात सुनकर उनका तत्काल निराकरण किया जाए। उसके बाद मेरा ये भी फोकस रहेगा कि हम जितने माफिया हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनका वैसे तो बहुत हैं भी नहीं इस प्रदेश में, कमी है और कम बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उनका कंप्यूटर डाटाबेस बना के क्लाउड पर रख के उनकी खोपड़ी पर कितने बाल हैं, उनके रिश्तेदार कौन हैं, उनके हाइड आउट्स कौन हैं, एक एक प्रोफाइल जितना डिटेल हम रख सकते हैं हर एक का रखें। और अभी तक जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में इनको बिल्कुल औकात पर रखा गया है, उसी तरह से उसको आगे बढ़ाते हुए और जितने अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और माफियाज हैं इनको दुरुस्त किया जाएगा। साथ में मुझे ये कहते हुए हमेशा बहुत गर्व होता है कि हमारे पास उत्तर प्रदेश पुलिस के पास इस समय वर्ल्ड की टॉप क्लास मोस्ट मॉडर्न 112 सुविधा है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है, और मेरा दुनिया में सबका, टोक्यो पुलिस का, न्यूयॉर्क पुलिस का, लॉस एंजलिस पुलिस का, इजरायली पुलिस का, सबका सारे सिस्टम्स देखे हुए हैं। और मैं इस दावे के साथ कहता हूँ कि दुनिया का बेस्ट सिस्टम है, मोस्ट मॉडर्न सिस्टम है। इसी तरह हम लोग बहुत ही वर्ल्ड क्लास, ऑलमोस्ट समझ लीजिए NYPD की तर्ज पर हम लोगों ने फॉरेंसिक लैब्स बनाई हैं, और इस तरह से लास्ट कई वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी जो हम पुलिस डिपार्टमेंट को धन उपलब्ध करवाते हैं
उससे हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस को वर्ल्ड क्लास मोस्ट मॉडर्न पुलिस बनाने की दिशा में जो काम कर रहे हैं उसको हम और आगे बढ़ाएंगे। हमारी बहुत सारी चीज़ों को करना है। हमारे लास्ट 3-4 सालों में बहुत सारा यंग ब्लड हमारे पास आया है। मुझे देख के जब भी मैं कहीं जाता हूँ, किसी सड़क पर निकलता हूँ, बहुत यंग हमारे सिपाही, खासकर लेडी कांस्टेबल्स, करीब 36,000 लेडी कांस्टेबल्स इस बीच में आई हैं, मुझे देख के खुशी होती है। हम लोग जब नौकरी की शुरुआत किए थे तो एक महिला कांस्टेबल नहीं रहती थी, होमगार्ड महिला से हम लोग पुलिस स्टेशन पर काम चलाते हैं। आज हमारे पास में 36,000, जो कि मेरे ख्याल से अगर दूसरे स्टेट में आप देखेंगे तो वहाँ टोटल पुलिस 36,000 की नहीं होती, 36,000 लेडी कांस्टेबल्स हैं। हमें इन लड़कियों पर, हमारे बच्चों पर गर्व है कि आएँ और महिलाओं के लिए काम करें, बच्चों के लिए काम करें। और जो गरीब लोग हैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हर बार कहते हैं कि गरीब आदमियों की सुनिए, और मैं समझता हूं कि मेरी कोशिश रहेगी कि इन लोगों का, इस तबके का जो असहाय लोग हैं, गरीब हैं, इनका, इनकी दुआएं, इनका आशीर्वाद उत्तर प्रदेश पुलिस को ज़रूर मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और बाकी आप लोगों का हमेशा से सहयोग रहा है, और मैं जो भी हमारे सिस्टम्स के लिए, सिस्टम के बारे में आपको जानकारी चाहिए होगी वो ले लीजिएगा। धन्यवाद बहुत बहुत। तो नए कार्यवाहक डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। राजकुमार विश्वकर्मा 1988 बैच के आईपीएस हैं। डिटेल्स उनको माफिया की इतनी चाहिए कि सिर पे उनके कितने बाल हैं ये भी पता हो, और इसके साथ गरीबों का आशीर्वाद मिले उत्तर प्रदेश पुलिस को, इस बात को भी उन्होंने कोट किया है। बड़ी खबर मिल रही है, यूपी में 5 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। डीजी जेल आनंद कुमार हटाए गए हैं। आनंद कुमार को सहकारिता प्रकोष्ठ भेज दिया गया है। एसएम सावत को मिला है डीजी जेल का प्रभार। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को ईओडब्ल्यू का अतिरिक्त प्रभार मिला है। सीबीसीआईडी के डीजी विजय कुमार को भी प्रभार मिला है। विजय कुमार को सतर्कता का चार्ज दिया गया है। एमके बशाल भेजा गया है इन्हें पावर कॉर्पोरेशन। ज्यादा डिटेल के लिए रुक करेंगे, हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का फोन लाइन पर मौजूद है। विवेक, ये सारे जो पद है वो बेहद अहम है, खासकर जेल को लेकर के ये जो बड़ा फेरबदल हुआ है, इसके पीछे की कोई वजह सामने आ रही है? इसमें लता, आप पीछे कुछ एक आध महीने पीछे अगर देखेंगी तो जेल से बड़ी साजिशें हुई थी। अतीक अहमद ने जेल में बैठकर साजिश की और उसके बाद उमेश पाल की हत्या हुई। यहाँ बरेली जेल में कई खेल हुए, तो इसको लेकर आनंद कुमार से सरकार नाराज थी। और सबसे बड़ा जो फेरबदल डीजी आर के विश्वकर्मा के कार्यवाहक डीजीपी बनने के बाद सबसे बड़ा फेरबदल आनंद कुमार को हटाने का ही है। आनंद कुमार को हटाकर सीधे सहकारिता विभाग भेजा गया, और ये माना जाता है कि सहकारिता विभाग जो जाता है वो एकदम ठंडी पोस्टिंग है, वो पनिशमेंट पोस्टिंग भी उसको कहते हैं। तो आनंद कुमार शंट कर दिए गए हैं, ये शब्दावली सही होगी उनके लिए, क्योंकि उनको शंट कर दिया सरकार ने। और सबसे जो खास रिवार्ड दिया गया है वो है प्रशांत कुमार को। प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे, लेकिन कल ही उनको सरकार ने स्पेशल डीजी बनाया था। उनके साथ 4 और अफसर स्पेशल डीजी बने थे, उनको स्पेशल डीजी के तौर पर लॉ एंड ऑर्डर के साथ ही जो क्राइम की जिम्मेदारी है वो भी दी गई है। इसके अलावा ईओडब्ल्यू की अतिरिक्त जिम्मेदारी उनको दी गई है, यानी अब लॉ एंड ऑर्डर के साथ ही वो क्राइम भी देखेंगे। आईजी क्राइम अभी तक क्राइम देखते थे, लेकिन आईजी क्राइम के ऊपर अब सीधे स्पेशल डीजी क्राइम होंगे। और आर्थिक अपराध संगठन यानी ईओडब्ल्यू की भी जिम्मेदारी, बहुत महत्वपूर्ण विभाग माने जाते हैं तीनों। उसी तरह से विजय कुमार जो अभी तक डीजी सीबीसीआईडी थे, जिनका डीजीपी बनने की रेस में नाम चल रहा था, आनंद कुमार के पास माना जा रहा था कि विजय कुमार का नाम है, उनको भी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है सीबीसीआईडी के अलावा। सतर्कता यानी विजिलेंस जो डीजीपी डीएस चौहान के पास डिपार्टमेंट हुआ करता था, उस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी भी उनको दी गई है, सतर्कता की, विजिलेंस की, वो अब वो विजिलेंस भी देखेंगे। एसएन सावत अभी तक पावर कॉर्पोरेशन में थे, डीजी बन चुके थे, लेकिन उनको बहुत जिम्मेदारी महत्वपूर्ण नहीं दी गई। लेकिन अब उनको सबसे महत्वपूर्ण जो इस समय चर्चा का विषय चल रहा है, चर्चा में है सबकी, वो जेल विभाग का डीजी बनाया गया है। एसएन सावत को एक अच्छे अफसर माने जाते हैं, लेकिन जेल विभाग में बड़ी चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से लगातार जेल से खबरें आ रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं जेल के अंदर,
इससे पहले भी चित्रकूट जेल में जो गैंगवार हुई थी उसके पहले मुन्ना बजरंगी को बागपत जेल में मारा गया था गैंगवार में, तो उनके सामने हालांकि आलम के बारे में काफी सुधार किया, लेकिन फिर भी अंतिम समय जाते जाते उनके ऊपर दाग लगे और अब इन दागों को जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश बड़ा सूबा है और ऐसे में जेल को लेकर के जिस तरीके की खबरें आई हैं वो छवि सुधारने की जिम्मेदारी कंधों पर होगी। शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।